बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? नया पे अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा। नया पे अकाउंट की वेरिफिकेशन बार बार आपकी फ़ेल हो रही है। आप 2 से 3 दफ़ा ट्राई कर चुके लेकिन आपके नया पे अकाउंट वेरीफाई नहीं हो रहा, जिसकी वजह से आपका नया पे अकाउंट जो है या नया पे वॉलेट जो है आप उसको यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। इसकी सबसे एक बड़ी और एक कॉमन वजह क्या है, नया पे अकाउंट वेरीफिकेशन फ़ेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। 18 साल से छोटी उम्र के जो बच्चे हैं हमारे, जो कि 9th-10th में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं, वो नया पे का अकाउंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब नया पे का अकाउंट जब बनना है वो आपका किसी CNIC पे बनना है, ठीक है जी। तो ये उनको पता है यार हमारा CNIC तो बना नहीं हुआ, तो वो अपने बड़े भाई, वालिद या वालदा के नाम पर अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है जी। यही आप लोग करते हैं, अपने वालिद या वालदा के नाम पर आप अकाउंट क्रिएट करते हो। जब आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है तो आप वेरीफिकेशन के लिए अपने वालिद साहब या वालदा का शनाख्ती कार्ड की फ्रंट एंड बैक पिक्चर अपलोड करते हो, उन्हीं की सेल्फी अपलोड करते हो, ठीक है, रियल टाइम सेल्फी, और उनके CNIC की डिटेल्स अपलोड करते हो। वहाँ पर ऐसा ही होता है। अब जब वेरीफाई करने के लिए नया पे रिप्रेजेंटेटिव आपको कॉल करता है तो भाई कॉल जो है ना वो आप खुद रिसीव करते हो। नया पे का आपको पता है, आपके वालिद या वालदा को नहीं पता जिनका नाम पे आपने अकाउंट क्रिएट किया है। आप वहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव से बात करते हो, आप कहते हो जी मुझे बिल्स जमा कराने होते हैं, मुझे बैंक में पैसे ट्रांसफर करने होते हैं, या मुझे नया पे का कार्ड इस्तेमाल करना होता है, इसलिए मेरा ये पर्पज़ है। इन्फॉर्मेशन आप सही दे रहे होते हो, लेकिन जब आप बात कर रहे होते हो तो अगले बंदे को भी समझ तो आ जाती है ना। अब वो आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, आपसे मदर नेम पूछेंगे, इसके अलावा कुछ और भी क्वेश्चंस पूछते हैं जिनका आपको इल्म नहीं होता, या चले आपका इल्म होता भी है लेकिन सबसे बड़ी गलती आप ये करते हैं कि जिसके नाम पे अकाउंट क्रिएट किया आप उसकी बात नहीं कराते। और बहुत से बच्चे अकाउंट क्रिएट करके वालिद या वालदा के नाम पे अपने वालिद या वालदा की जब उनसे बात कराते हैं तो आपके वालिद और वालदा को इन्फॉर्मेशन होती नहीं है नया पे के बारे में, ठीक है। वो जब बिल्कुल आप थोड़ा सा ब्लैंक हो जाते हो, पॉज लेते हो, तो अगले बंदे को समझ आ जाता है कि भाई इसको नहीं पता। तो नया पे जो है जब वेरीफिकेशन करते हैं तो वो प्रॉपर चीज़ पे रखते हैं कि हम ऑनबोर्ड करें क्वालिटी मेंबर्स को, जिनको एक्चुअल में पता हो ये प्रोडक्ट किस लिए है, इसका यूजेज क्या है, फेयर यूजेज है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं कि वो फ्री में कार्ड बांटे हैं, अब उन्होंने थोड़ा सा जैसे कहते हैं प्रोसीजर जो है बेहतर कर दिया, और मुझे लगता है कि ऐसा सही कर रहे हैं, क्योंकि आप में से इतने लोग माशाल्लाह अप्लाई कर रहे हो, चुके हैं यहाँ पे का कार्ड आपको फ्री में मिल रहा है, आप उसे इंटरनेशनल शॉपिंग भी कर सकते हो, तो अब हर कोई बंदा जो है उस कार्ड के लिए जैसे कहते हैं, मतलब मैं कहता हूँ इतना क्यूरियस है कि हर बंदा कहता है मुझे एक डेबिट कार्ड फ्री का मिल जाए, जिसको इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी अवेलेबल है, आप इंटरनेशनल शॉपिंग भी कर सकते हो, आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हो, पैसे किसी भी ATM से विड्रॉ भी कर सकते हो, बिल जमा, पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ पे लिमिटेड फीचर्स आप कर सकते हो। लेकिन वेरीफिकेशन का प्रोसेस इसलिए आप लोगों का फेल होता है, नया पे अकाउंट आपका इसलिए वेरीफाई नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है, आप वालिद या वालदा के नाम पे अकाउंट क्रिएट करते हो, जब बात करानी होती है वालिद या वालदा के जिसके नाम पे अकाउंट क्रिएट किया है वहाँ पे आप खुद बात करते हो, ठीक है। तो आपको तो इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगले बंदे को जब पता चलता है कि भाई ये तो उस बंदे से मैंने बात ही नहीं की, तो वेरीफाई कैसे होगा। ये ऐसे ही है जब आप किसी बैंक में अकाउंट ओपन करवाते हो तो वहाँ से ATM कार्ड या डेबिट कार्ड कुछ भी लेते हो, तो वेरीफिकेशन के लिए या उस कार्ड की पिन सेट करने के लिए वो उसी बंदे से बात करते हैं जिसके नाम पे वो कार्ड होता है। आपको बेशक इन्फॉर्मेशन हो, आप वो नहीं करोगे, ठीक है, यहाँ वो आपकी वेरीफिकेशन को ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। तो सबसे बड़ी आपकी वजह ये है जिसकी वजह से आपके 90% हमारे बच्चे जो क्लेम करें जी हमारी नया पे अकाउंट वेरीफिकेशन नहीं हो रही, फेल, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है। आई थिंक आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तो वालिद और वालदा के नाम पे अगर बना रहे हो तो उनको बताओ और उनकी बात करवाओ रिप्रेजेंटेटिव से, फिर अकाउंट आपका वेरीफाई हो जाएगा। जो मैंने अकाउंट बनाना था ना, मुझे याद है कि मैंने नया पे का मैंने अकाउंट क्रिएट करना था, मैंने अपने नाम पे क्रिएट किया, सब कुछ किया, डिटेल्स वगैरह शेयर की, मुझसे बात हुई, उन्होंने वेरीफाई शुरू कर दिया। इसी तरह मेरी बेटर हाफ के लिए, मैंने सिस्टर के लिए जब मैंने किया तो उन्हीं की मैंने बात करी, उनको इन्फॉर्मेशन दी कि यार ये पर्पज़ है, वो उसी वक्त वेरीफाई हो गया। आई गेस लेस देन अ डे वो वेरीफाई हो गया था, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है, एवरीवन हैज़ टू फॉलो द प्रोसीजर। आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे, आप स्मार्ट बनने की कोशिश करो, इस तरह की स्मार्टनेस काम नहीं आती, वो आपके सामने है कि आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं हो पाता। समझ आ रही है? ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।